अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड आई एम सो हैप्पी के डॉक्टर्स कॉन में मैं खड़ा हूँ आफ्ताब मोहसिन साहब के सामने। एंड आई मुझे ये कहना पड़ेगा कि लिखना पढ़ना छोड़ दे, रहमत ते रकास चुक रजाई ते सो जा बंदिया, रब करेगा पास। आप लोग रजाई छोड़ के यहाँ आ गए मेरी बात सुनने, दिस इज़ ग्रेट। सो आई एम इन ए ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज ऑलवेज गोइंग ऑन एंड वी आर स्ट्रगलिंग, लेकिन कुछ कामयाबी भी हुई है वहाँ पर, बहुत कुछ अच्छी कामयाबी हुई है। डॉक्टर सोमिया ने कहा नोइंग इज़ नॉट इनफ, एब्सोल्युटली, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नोइंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू अप्लाई, अदरवाइज जो सिनेरियो मैं बताने जा रहा हूँ इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर, इट्स अ साइलेंट पेंडेमिक। अगर अमेरिका में इतने लोग इन्फेक्शन होता है और इतने लोग दे डाई ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इशूज़, तो पाकिस्तान में कितना होता? ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी फिगर एज यूजुअल, क्योंकि हमारी रिसर्च अभी उस तक नहीं पहुंची, या वो हमारी प्रायोरिटी के लिस्ट में शामिल नहीं है। सॉल्यूशन की बात करनी पड़ती है, चाहे कोई भी सिनेरियो कैसा भी हो, एंड आई वुड लव टू हियर मोर सॉल्यूशंस फ्रॉम द ऑडियंस, जब भी मौका मिले कॉन्टेक्ट करें एंड लेट्स सी, हमें कुछ ना कुछ तो करना है, खाली प्रॉब्लम्स की बात नहीं करनी। चैलेंजेस बहुत हैं, एवरी इन्फेक्शन और जो भी हमारे मुल्क की सूरत हाल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और कुछ भी नहीं है, लेकिन अफसोस कि इतने साल गुजरने के बाद भी इस पे हमारा काबू नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर की बात करते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और जो हम इसकी रेमेडी निकालते हैं वो भी एक इंतहाई बोगस किस्म की। एंड यू कैन सी द फिगर ऑफ लाहौर एंड हैदराबाद, जहाँ से XDR सालमोनेला टाइफी ओरिजिनेट होता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू सफ़र, वी आर गोइंग टू सफ़र। मैं पूरी पूरी फैमिली से बात करता हूँ, उनके सारे लोग, जब से हमने MBBS किया और अब तक इस एज तक TB, टाइफाइड, मलेरिया और डायरिया और इसकी बात करते हैं, मतलब शर्म आती है कि अब टाइफाइड पे कोई लेक्चर के लिए बुलाए मुझे और मैं उसको बताऊं कि टाइफाइड क्या है। शर्म आती है कि मैं आपको हेपेटाइटिस की बात करूं और मलेरिया की बात करूं। वी हैव बीन थ्रू दीज डिजीज़ेस। टर्की में लास्ट ईयर 2 केसेस हुए थे टाइफाइड के, पूरी टर्की में, और दिस इज़ अ जोक इन पाकिस्तान। तो हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम ये कर रहे हैं बस, हम 120 अरब की एंटीबायोटिक खा चुके हैं, एंड दीज आर फिगर्स विच इज़ मतलब लेस कैलकुलेटेड। सो अगर हमारे पास यही इलाज है तो फिर क्या किया जाए? करंट एंटीबायोटिक सिनेरियो इज़ गोइंग टू चेंज, इट इज़ चेंजिंग, फ्यूचर इज़ डार्क, वेरी डार्क, अगर हमने कुछ नहीं किया, बिकॉज वी आर मिस यूजिंग एंटीबायोटिक, वी आर अब्यूजिंग एंड वी आर ओवर यूजिंग, और यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका क्या करना है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान इज़ यूजिंग कार्बापेनम मोर देन इंडिया एंड मोर देन एनीवन एल्स, दीज आर दी इंटरनेशनल फिगर्स। और आप देखें कि कार्बापेनम के इस्तेमाल से, नाउ आई नो मैनी ऑफ दी फिजिशियन सिटिंग हेयर, कि आपके पास कोलेस्टीन के अलावा कोई चॉइस नहीं रही अपने अस्पतालों में इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। वॉट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर कोलेस्टीन? NIH की फिगर है, यू कैन सी दी कार्बापेनम रेजिस्टेंस सो मच। जब मैं PKLI 6 साल पहले आया तो 5% कार्बापेनम रेजिस्टेंस थी, अब नाउ इज क्रॉसिंग 20% लिमिट्स। सो कार्बापेनम भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, एंड दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। Oxa-48 NDM प्रोड्यूसर्स, ये वो कार्बापेनमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी दुनिया में फैल गए, एंड इज़ ओरिजिनेटेड फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हम अगर कुछ गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा, एंड इट्स एविडेंट फ्रॉम सो मेनी थिंग। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किलिंग पीपल मोर देन 1 मिलियन, हमारे अखबार कुछ और रिपोर्टिंग करते उसमें बिजी नज़र आते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट दीज थिंग। जो BBC और फाइनेंशियल टाइम, गार्जियन और इकोनॉमिस्ट बता रहा है आपको, इट्स अ साइलेंट पेंडेमिक, इट्स किलिंग अस। जब आप अपने लव वन को लेके हॉस्पिटल जाते हैं फिर आपको पता चलता है यू डोंट हैव एनी मोर चॉइसेस। सो क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक बनना कम हो गई हैं बिकॉज
It's not that profitable as some others. So new antibiotics are going down and resistance is going up and we are stuck somewhere here. हमने तो कोई एंटीबायोटिक बनानी नहीं है, हम हमारा कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास कत्था और चूना रह गया या लस्सी रह गई है और तो कुछ भी नहीं रह गया. हमने कौन सी चीज़ बनानी है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने कौन सा मॉलिक्यूल डेवलप किया है पिछले 70 साल में, नथिंग. हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी सुबह, क्या करेंगे आप. यू नीड एंटीबायोटिक फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किधर से लेकर आएंगे, कोलेस्टिन एंड कार्बापेनम एंड वैनकोमाइसिन, दैट्स इट. इसके अलावा आपके पास चॉइस क्या है, बट यू विल लूज ऑल दीज एक्टिविटीज़ अगर आपने इस टाइम पे काम नहीं करना शुरू किया इस चीज़ों पे. हेल्थ केयर में इन्फेक्शन कंट्रोल, एंटीबायोटिक स्टोरशिप और डायग्नोस्टिक स्टोरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल उसके बगैर अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अ पब्लिश पेपर, 40% सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, कैथेटर रिलेटेड 20%. दिस इज़ अनहर्ड ऑफ एनी वेयर इन द वर्ल्ड. इतना तो नाइजीरिया में भी नहीं है जितना यहाँ पे है. सो हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं. हमारे पास एंटीबायोटिक स्टूअरशिप नहीं है और इन्फेक्शन कंट्रोल भी नहीं है हमारे अस्पतालों में. एंड आवर फिजिशियंस वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन क्या करें, उनके पास कोई चॉइस नहीं. सो ऑल दीज ओवर यूज एंड पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ग्लोबलाइजेशन, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो आप खबरों में सुनते रहते हैं, डायग्नोस्टिक्स ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज़ लीडिंग अस टू AMR. और हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई एक चीज़ नहीं, सारी चीज़ें. एंड ऑल दीज सफरिंग इज़ बिकॉज ऑफ हायर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट. सो हम वी आर रियली स्टक. मोर्टैलिटी, कावापेनम रेजिस्टेंस, क्लेब्सिएला नमूनी, लुक एट द मोर्टैलिटी, ऑलमोस्ट डबल. तो जिन पेशेंट को बच जाना चाहिए था अब वो भी नहीं बचते. सो हमने बेतहाशा यूज़ की अपने MBBS के बाद, बेतहाशा सेफलोस्पोरिन, किनोलॉन्स और कावापेनम्स. और हमें पता दिया था लॉन्ग टाइम अगो मैथियो ने कि दीज आर ऑल, ये जो तोहफे में हमारे पास हैं अब, दीज विल बी द कोलैटरल डैमेज, वी आर इन्वाइटिंग दीज बग्स इन आवर हॉस्पिटल. और एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली, बिकॉज हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो अब हमें तोहफे में ये मिला है. सो यू आर गेटिंग वॉट यू हैव डन. हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नई एंटीबायोटिक तलाश करते फिर रहे हैं कि शायद कोई नई आ जाए. अब जो आती है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते और नया मॉलिक्यूल आता नहीं है. सो यू आर स्टक अगेन. क्या करें फिर, सोल्यूशन क्या है, क्या मेरे पास कोई सोल्यूशन है. बट अगेन एज हैड बीन सेड, यू हैव टू अप्लाई दैट सोल्यूशन. हमें इंटेग्रेटेड अप्रोच पे जाना चाहिए. डायग्नोस्टिक्स सही करनी है, एंटीमाइक्रोबियल स्टूअरशिप और इन्फेक्शन कंट्रोल हमें साथ लेके चलना है. अगर हम इन तीनों चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे सो सेलेक्टिंग ओनली एंटीमाइक्रोबियल्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो आपको जानना है एंटीबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया क्या है और साइट इन इन्फेक्शन क्या है, पेशेंट क्या है. नो योर बग एंड नो योर एंटीबायोटिक. आप हम में से कितने लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है किसी एंटीबायोटिक का. कोई 20-25 एंटीबायोटिक सारी उम्र हम यूज़ करते हैं, वी हैव नॉट रेड इट. फार्मा में हमने नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया पढ़ के चले गए थे, MBBS हमने पास कर लिया. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. आपको समझना पड़ेगा या पेशेंट आर डाइंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइसेस ऑफ एंटीबायोटिक नाउ. सो आपको पढ़ना पड़ेगा. हमने दबा के एंटीबायोटिक COVID-19 में यूज़ की एंड दिस मिस यूज़ को स्टॉप करना है. हमने वायरल, जैसे सोमिया ने कहा, एंड ऑल दीज मेटा एनालिसिस शोड कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोविड को अगर आपने जिथ्रो दी थी कि नहीं दी थी, नथिंग. दैट वॉज ऑल मिसकैलकुलेशन. हम अपने हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक स्टोरशिप करते हैं, डॉक्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है कि इफ़ ही इज चूजिंग एन एंटीबायोटिक, इज इट फॉर प्रोफाइलैक्सिस, एम्पिरिकल और टारगेटेड. एंड विद इन 24 to 48 hours हमारी टीम वहाँ पे जाती है और उसको या तो अप्रूव करती है या रिजेक्ट करती है और उसको एडवाइस करती है. ऑल दीज आर रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक इन PKLI. सो PKLI में किडनी ट्रांसप्लांट के रेसिपियंट को हम सेफाजोलिन देते हैं 200 रुपये की सिंगल टैबलेट, इट गोज होम. देर इज़ ज़ीरो इन्फेक्शन रेट इन किडनी ट्रांसप्लांट एंड 5 to 6% इन्फेक्शन रेट इन लीवर ट्रांसप्लांट. ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वाई दे इज SSI तो मैं 40% है, वाई इट्स 5% इन PKLI. तो कुछ करते होंगे.
तो वो क्या करते हैं हम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लोगों को ये नहीं पता करता है आपका हॉस्पिटल का एंटीबायोग्राम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी लैब सो रही है, डॉक्टर कभी लैब में नहीं जाता, कभी उससे पूछता नहीं है कि भाई तुम क्या करते हो। दिस इज़ द PKLI एंटीबायोग्राम रेगुलरली पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फिजिशियंस, कि इससे वो फ़ायदा उठाएँ कि PKLI में जितने जरासीम हैं उनके एम्पिरिकल थेरेपी अगर आपने करनी है तो कौन सी एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन एंटीबायोग्राम। ये आप कर सकते हैं कि बिकॉज हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई माइक्रोबायोलॉजी की टीम बैठी है। डायग्नोस्टिक स्टोरशिप ऑब्वियसली इट्स लिमिटेड, लेकिन अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन बगैर इसके आप ट्रीट सही कर नहीं सकते। इन द लॉन्ग टर्म दिस इज़ नॉट कॉस्टली, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट की बात ना करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें। हमने वायरस और बैक्टीरिया क्या है उसी में गुम हो जाते हैं, हमें यही नहीं समझ आती है। लेकिन एक अच्छा क्लिनिशियन जानता है कि ये वायरल और ये बैक्टीरियल है। COVID-19 में फिर आप टेस्ट क्यों करवाते थे, सबके टेस्ट हुए हैं सबके। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वी हैव ऑल द ऑटोमेशन इन पाकिस्तान एंड इन PKLI इन सम गुड हॉस्पिटल्स। हमें इस पर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि बेटर डायग्नोस्टिक्स लीड्स टू बेटर ट्रीटमेंट। यू हैव टू डू इट। बजाय हम बड़े बड़े फवारे बनाए अस्पतालों में, आप डायग्नोस्टिक्स को इम्प्रूव करवाएं, उसका बजट इम्प्रूव करवाएं। बिग गैप्स इन पंजाब, वट एवर सीन, मेजॉरिटी माइक्रोबायोलॉजी लैब इज नॉट सर्टिफाइड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नो सर्वेलेंस सिस्टम फॉर AMR, कमेटी बनी हुई है बट डजेंट डू एनीथिंग। नो सर्वेलेंस सिस्टम फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, मिसमैनेजमेंट होती है, पैथोलॉजिस्ट हायर करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं, ID की पोस्टें नहीं है। 2 बजे बंद हो जाती है लैब माइक्रोबायोलॉजी गवर्नमेंट में, करेक्ट मी फिर इफ़ आई एम रॉन्ग, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लैब 2 बजे बंद हो जाती है, इज दैट ट्रू? तो 2 बजे के बाद बैक्टीरिया सो जाते हैं। सो वॉट इज़ हैपनिंग, प्राइवेट लैब्स, हर बड़े बड़े इदारों की लैब आप देखेंगे सड़क के किनारे, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, लाइन लगी होती है और महंगे महंगे टेस्ट बेच रहे होते हैं और हॉस्पिटल का ही पेशेंट जाके वहाँ से सारी चीज़ें करता रहता है। सो ये बिग गैप्स हैं, इनको फिल करना पड़ेगा। एज पर दिस स्टडी इन लाहौर इन 14 यूनियन काउंसिल्स, 3 मिनट रह गए, सो उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो थी वो ये थी, और मोस्ट सोर थ्रोट और डायरिया के लिए बच्चों को इतनी एंटीबायोटिक दी गई और एडल्ट को उतनी। ये आपकी अपनी स्टडी है और ये लाहौर की स्टडी है। सो क्या करना चाहिए, नीड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की शदीद ज़रूरत है। डॉक्टर्स कौन को कहूँगा कि फ्रीक्वेंट ये अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करवाएं एंटीबायोटिक स्टूअर्डशिप में और डायग्नोस्टिक्स में, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें, सपोर्ट करें हर चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ एन अननोन किलर। आपको नहीं पता चलेगा कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने जी रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, यू हैव नो डाटा। इसका मतलब ये नहीं है, अगर अमेरिका में तकरीबन 99,000 पेशेंट डाई ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, तो यहाँ कितने मरते होंगे, कैन यू इमेजिन? सो डाटा फ्रॉम पाकिस्तान ना गवर्नमेंट के पास है, आई हैव आस्क्ड देम सेवरल टाइम, ना किसी हॉस्पिटल के पास है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कितने हैं। जब यही नहीं पता कितने हैं तो करना क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम हमारे पास ये वाली टीम है और बाकी अस्पतालों में सिर्फ ये वाली टीम है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यू गॉट टू हैव टू मॉडर्नाइज योर सेल्फ, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपको हाउसकीपिंग को इम्प्रूव करना है, सिर्फ MD के ऑफिस की क्लीनिंग नहीं चाहिए, पूरे अस्पताल की क्लीनिंग चाहिए। यू हैव टू हैव अ क्लीन हॉस्पिटल। आप क्लीनिंग के ऊपर बिलीव करें, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी हैव बीन टोल्ड। दे हैव बीन स्टडीड लाइक आगा खान, जहाँ पे वैप का इंसिडेंस ऑलमोस्ट गॉन 50% लो आफ्टर स्टाफ एजुकेशन। सो पीपल हैव सीन दैट। हम बस यही करते रहते हैं कि जूते के ऊपर चढ़ाओ, ICU में घुस जाओ, अपने गंदे हाथों से पेशेंट को देखो, उतार के फिर वापस। वॉट काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज दैट? दिस इज फॉल्स प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जैम्बिया, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उससे तो सबक सीख लें जिन्होंने एंटीबायोटिक स्टोरशिप लॉन्च कर दिया जैम्बिया में। सो पाकिस्तान इज वे हेयर बट वी आर नो वेयर। कम से कम ये तो करें कि वायरल इन्फेक्शन, जैसे सोमिया ने कहा, प्लीज़ डोंट गिव एंटीबायोटिक इन दीज केसेस, बिकॉज ये रेजिस्टेंस को ही डेवलप करेंगे। सो यू हैव टू डू व्हाट यू डू एंड डोंट डू दीज। सो यूज़
समथिंग, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज, जब हम इसको अप्लाई करें. सो ये हमारी गाइडलाइंस है. इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन गेट ए हार्ड कॉपी. और ये IPC की गाइडलाइंस हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है NIH की वेबसाइट पे. सो गाइडलाइंस भी हैं आपके पास, सब कुछ है, अब आपको और क्या चाहिए. सो प्लीज़ डू समथिंग. आप अपने तौर पे अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में जो काम करेंगे, दैट वुड बी अ बटरफ्लाई इफेक्ट. एंड यू नो दो एज एडवर्ड नॉर्टन सेड, इट हैज़ बीन सेड दैट समथिंग एज स्मॉल एज ए फ्लटर ऑफ बटरफ्लाई विंग्स कैन अल्टीमेटली कॉज ए टाइफून हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड.